इन दिनों पूरे ब्रजमंडल में होली की धूम मची हुई है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु ब्रज में होली खेलने के लिए पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से पूरे ब्रजमंडल के मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। इसी का फायदा उठाने के लिए गोवर्धन क्षेत्र में जेब कतरे और उठाई गिरे सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला बड़ी परिक्रमा मार्ग स्थित जतिपुरा मुखारबिंद मंदिर में देखने को मिला, जहां मध्य प्रदेश के रहने वाले श्रद्धालु जतिपुरा मुखारबिंद मंदिर में दर्शन करने और दूध चढ़ाने के लिए पहुंचे, जहां गिरिराजी पर दूध चढ़ाते वक्त जेब कतरे ने अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए जेब से 5000 रुपए और 2 मोबाइल पार कर दिए। मंदिर में लगे हुए CCTV फुटेज में शातिर चोर की तस्वीरें कैद हो गयी, लेकिन किसी भी तकनीकी खराबी की वजह से वो फुटेज नहीं मिल पाए। वहीं अपनी जेब कटने की सूचना जब पीड़ित ने गोवर्धन थाने में जाकर दी तो पुलिस द्वारा उसे ठहराने की कोशिश की गई, जहां पुलिस ने मोबाइल गिर जाने की तहरीर लेकर उसे घर जाने को कह दिया। इस संबंध में पीड़ित श्रद्धालु ने जानकारी दी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश गुप्ता। क्या घटना हो गई आपका? हमारे साथ हमारे दूध चलाते समय तो मोबाइल जेब में से निकल गया, उसमें कुछ पैसे नहीं थे, 5000 रुपए। दिख रहा सारा ले जाते हुए। क्या पुलिस को जानकारी दी आपने? हाँ, पुलिस को जानकारी दी ना अभी। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कह रही है आप जो रिपोर्ट दे जाओ, हम देखेंगे। इसको गुम सूची का लिखोगे, गुम का लिखोगे तो उनने कहा हाथों हाथ हो जाएगा, और यदि आपने चोरी का लिखाया तो इसमें टाइम लगेगा, ऐसा कर रहे थे। क्या नाम है आपका? ब्रजमन गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? क्या 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 बात हो गई? हम गिरिराजी में जतिपुरा में दूध चढ़ा रहे थे, वहाँ से मोबाइल और जेब में से पैसे डाल के और एक्सप्रेस ट्रेन पे भी आ रहा है। कहाँ का मामला? जतिपुरा मुखारबिंद। जतिपुरा मुखारबिंद।